वैसे बैडमिंटन स्टाइल मारने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरा स्टाइल मारते मारते सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो रैकेट है जब हाथ में लगता है ना, ओए मां, बड़ी जोर से दर्द होती है। वैसे दर्द तो हो रही है बेचारी मनमोहिनी की सासू माँ को भी। वो क्या है ना कि मनमोहिनी ने अपनी सास को खिला दी मूंगफली। आई नो मौसम तो मूंगफली वाला है, लेकिन इनको तो वो है ना पीनट एलर्जी, तो बस हाल बेहाल है। मनमोहिनी जो अब सुनंदा बनकर रह रही है, वहां उसकी सास को आ गया अटैक, एलर्जी का अटैक, क्योंकि दादी माँ ने गलती से मूंगफली वाली साबुदाना खिचड़ी खा ली, तो मूंगफली की एलर्जी के कारण उनकी तो जान बस जाने ही वाली थी। मूंगफली के अटैक के कारण उनकी तो जान पर बनाई, और क्यों ना बनाती, बहू को चुड़ैल चुड़ैल कहना भारी पड़ गया। ये जो है दादी को जो एलर्जी है पीनट से है, और मम्मी ने मेरी उनकी खिचड़ी में पीनट डाल दी, क्योंकि दादी तो परेशान करती रहती मेरी मम्मी को चुड़ैल बोलती रहती है, बट वो सही नहीं किया, पर वो उनका अपनी मंशा, वो जाने क्यों किया। तो मेरे कान जो है वो पक गए हैं चुड़ैल चुड़ैल सुन के, क्योंकि वो सोचते हैं कि 525 साल में किसी की तो हिम्मत नहीं हुई कि उसको चुड़ैल बोल रहा है, और ये 20 सालों में उसने इतना सुन लिया है कि चुड़ैल इधर आ, चुड़ैल कहाँ जा रही है, तो वो फेडअप हो गई। तो उसने सोचा कि वो दादी को दिखाई देती है कि चुड़ैल होती क्या है, तो उसे पता है कि दादी जो है वो है एलर्जिक टू मूंगफली। तो चुड़ैल तो अपना वार करेगी, क्योंकि फितरत उसकी वैसी ही होती है, तो वो सीधा वार करती है और पूरा जो खिचड़ी में है मूंगफली डाल देती है। जी हाँ, ये खिचड़ी मनमोहिनी यानी कि सुनंदा ने ही दी है, और दादी के लिए तो स्पेशल कुछ ज्यादा ही मूंगफली डालकर बनाई है। दादी तो बेचारी अपनी सहेलियों के साथ भजन कीर्तन कर रही थी, और प्रसाद के रूप में उनके सामने आ गई साबुदाना खिचड़ी, तो दादी ने झटपट खा ली और मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन उनकी हर मुसीबत में मसीहा बनकर आता है शिव, जो यहाँ पास में ही बैठा था, और उसने कुछ ऐसा किया कि दादी की जान जाते जाते बच गई। दादी, ये दवा लो, दवा लीजिए। हाँ, शिव ने उसको देख लिया है मूंगफली डालते हुए खिचड़ी में, जो कि मुझे नहीं पता है, एंड वो वहाँ पर, क्योंकि वो दादी के तारनहार हैं, तो आके उन्होंने बचा लिया, दवाई खिला दी उन्होंने एंटी एलर्जिक पिल। दादी ऑलमोस्ट, दादी तो गई थी, दादी का फोटो टकने वाला था आज, और शिव ने बचा लिया। तो दादी की जान बचाकर शिव ने एक बार फिर अनन्या को खुश कर दिया है, मगर मनमोहिनी यानी कि सुनंदा के लिए वो दुश्मनी और बढ़ा रहा है। अब न जाने ये चुड़ैल यानी कि सुनंदा क्या करेगी शिव के साथ, दादी के साथ और अनन्या के साथ। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।